नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। चलिए अब केपी एक्सप्रेस कर्नाटका की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। हलाल मांस के खिलाफ अभियान के बाद दक्षिणपंथी संगठनों ने मस्जिद में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मौतों का चिकित्सा प्रमाण, कर्नाटका देश में 17वें स्थान पर है। 12,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को अप्रैल के अंत तक अपनी जमीन मिल जाएगी। कोविड से प्रेरित आर्थिक संकट ने आरटी की मांग को बढ़ा दिया। जेडीएस को झटका, फोराटी बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे एमएलसी का अगला चुनाव। हर जिले में व्यापक ठोस कचरा प्रबंधन इकाइयां जल्द, ईश्वरप्पा। अपराध और अपराधियों से समझौता किए बिना पुलिस काम करे तो अपराध पर काबू पाया जा सकता है, बोम्मई ने कहा। फसल बीमा लाभार्थियों में भारी गिरावट, भुगतान डेटा के अनुसार। एनजीटी द्वारा नियुक्त पैनल ने चंदपुरा झील के आसपास उल्लंघन की पहचान करने के लिए विस्तृत जांच का सुझाव दिया। महंगाई को लेकर कांग्रेस जेडीएस ने बीजेपी पर लगाया दबाव। आप में शामिल होंगे भास्कर राव, बसवराज होराटी भाजपा में शामिल। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने किसानों व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, अध्ययन में स्पष्ट। मंत्री ने जेजेएम परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। हिजाब विवाद की जांच एनआईए करे, शोभा करंदलाजे ने कहा। केयू परिसर में घुसे दो जंगली हाथी, मचाई दहशत। आर्यन नायक हत्याकांड, गैंगस्टर बंजे राजा, तीन अन्य को उम्र कैद की सजा। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव आप में शामिल। कर्नाटक सरकार का कहना है कि हिजाब पहनने वाले शिक्षक बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी नहीं कर सकते। बेंगलुरु का गौरव बहाल करेंगे, शहर में केटीआर के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। बेंगलुरु या हैदराबाद, चुनौती स्वीकार की गई, द्वंद युद्ध करने वाले राजनेता ने कहा। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।